हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। होली में आप इसे जरूर बनाएं, ये रमजान स्पेशल में बनाएं और बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊंगी और बहुत जल्दी ये बन जाने वाली रेसिपी है और इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है बनाने में, बस इसे 3 से 4 मिनट लगता है तैयार होने में। इसके स्टफिंग को आप यहाँ पर देख रहे हैं, कितनी इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए 1/2 kg मैदा लिया है, 100 ग्राम सूजी, 100 ग्राम नारियल पाउडर, 100 ग्राम चीनी, यहाँ मैं चीनी को मिक्सर जार में डालकर पाउडर बना ली हूँ। मीठा कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इतना मीठा परफेक्ट है 1/2 kg के लिए। और यहाँ 5 ग्राम किशमिश, 5 ग्राम पिस्ता बादाम, 5 ग्राम काजू, 5 ग्राम बादाम, इन सबों को मैं किशमिश को छोड़ के बाकी इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्सर जार में डालकर दरदरा पाउडर बना लूंगी। और 1/2 pinch नमक, आप चाहे तो नमक नहीं भी डाल सकते, इनके अच्छे फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ, अच्छा लगता है। 3 से 4 बड़ी चम्मच अनीक घी लेंगे, आपके पास जो घी है आप वो ले सकते हैं, आप रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और मोइन भी काफ़ी अच्छा पड़ता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं अनीक घी ले रही हूँ। और यहाँ मैं एक इलायची लूँगी, इसके बीज को निकाल कर इसे भी जब काजू ग्राइंड करूँगी उसमें ही डाल कर इसे ग्राइंड कर दूँगी, आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं लेकिन अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैं डालूँगी। और 1 बड़ी चम्मच पोस्तदाना चाहिए, अच्छे से यहाँ पर दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बना है आप देख सकते हैं, बस इतना ही चाहिए, तो इसे मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर ली हूँ, इसे बाद में यूज करेंगे, इसे साइड में रख दूंगी। मैदा में घी डाल देंगे और डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं डालते हुए और सानते हुए नहीं दिखलाऊंगी क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ये प्रोसेस तो सबको पता ही है। और साथ में नमक ऐड कर दूंगी। यहाँ काफी अच्छे से मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद इसमें जरा जरा गुनगुना दूध डालकर मैदे को सान लूंगी, बहुत ज्यादा नरम भी नहीं, बहुत ज्यादा कड़ा भी नहीं। और इसे सानने के लिए मैं यहाँ पर 1 कप गुनगुना दूध ले रही हूँ। यहाँ पर मैदे को सान लिया गया है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, बहुत कड़ा भी नहीं है, और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। जब तक ये रेस्ट ले रहा है तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। और किशमिश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हाँ, मैं गैस ऑन करके पैन में 2 बड़ी चम्मच घी डाल दी हूँ, फ्रिज में रखने की वजह से घी यहाँ पर हमारा जम गया है आप देख सकते हैं, तो इसे अच्छे से मैं मेल्ट कर लूंगी, साथ में ही सूजी ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी कंटिन्यू चलाते हुए। सूजी के अंदर 1 बड़ी चम्मच और घी ऐड करूंगी, यहाँ पर मैं घी ऐड कर दी और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लूंगी। आप देख सकते हैं सूजी का कलर बदलने लगा है, यानी कलर चेंज होने लगा है, साथ में ही मैं नारियल पाउडर ऐड कर दूंगी और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लूंगी। तो यहाँ पर नारियल और सूजी दोनों ही अच्छे से भूनकर तैयार है, इससे ज्यादा हमें नहीं भूनना है, बहुत इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ, बस इसे भूनने में 2 से 3 मिनट का वक्त लगा है और बहुत जल्दी इसकी स्टफिंग तैयार हो गई है आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे निकाल लूंगी। एक प्लेट में मैं इसे ट्रांसफर कर ली हूँ और इसे मैं ठंडा कर लूंगी, नहीं तो इसके अंदर जब मैं शुगर ऐड करूंगी तो ये मेल्ट होने लगेगा। जब तक ये ठंडा हो रहा है और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जब तक सूजी नारियल ठंडा हो रहा है तब तक इसकी लोई बना लेते हैं, यानी कि बॉल तैयार कर लेते हैं। जितना बड़ा आपको गुजिया बनाना हो उतने साइज का आप बॉल बना ले, तो बॉल बना लेंगे और बॉल बनाने के लिए हाथ में ज़रा सा ऑयल लगाएंगे और बॉल बना लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बॉल बनकर तैयार है, जो भी बचा हुआ है इसी तरीके से बनाकर रख लेंगे, हल्का सा ऑयल लगाया है। मैदा इसलिए नहीं लगाऊंगी कि बेलने के वक्त पूरा तेल गंदा हो जाता है। यहाँ काफ़ी अच्छे से स्टफिंग ठंडा हो चुका है सूजी नारियल का, इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और
दरदरा किया हुआ ड्राई फ्रूट्स उसे भी डाल दूंगी। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ एक लोई को लेंगे, सिंपल सी पूरी बना लेंगे, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, बहुत इजी है इसे बनाना। तो यहाँ बनकर तैयार है पूरी, और इसके अंदर स्टफिंग को डालेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और साथ में यहाँ पर पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए। आप देख सकते हैं तो ये अच्छे से सील हो चुका है। अब सील होने के बाद इसे घुमा देंगे और इसे इस तरीके से मोड़ देंगे। आप इसे सांचे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सांचे में नहीं बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से ये फोल्ड हो गया है। तो यहाँ ये तैयार है, कहीं से भी फटा नहीं है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो भी बचा है उसे मैं बना लूंगी। तो यहाँ मैं कुछ बनाकर रेडी रखी हूँ। गुजिया को फ्राई करने के लिए 250 ग्राम रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में मैं डाल रखी हूँ, और ये काफी अच्छे से गर्म हो गया है। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर लो टू मीडियम होना चाहिए। तो इसके अंदर एक एक करके गुजिया मैं डाल दूंगी। यहाँ मैं डाल दी हूँ, डालने के बाद इसे अच्छे से हिलाती हिलाती रहूंगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत इजी है इसे फ्राई करना। फ्लेम को यहाँ पे मैं लो रखी हूँ क्योंकि तेल काफी अच्छे से गर्म है। इसे उलट पलट दूंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल फुली फुली सी गुजिया यहाँ बन रही है। तो इसे मैं फ्राई करके निकाल लूंगी, इसे मैं छान लूंगी ऑयल से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गुजिया काफी अच्छे से फ्राई हो गई है, आप देख रहे कितना क्रिस्पी और क्रंची दिख रहा है। तो खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो इसे मैं ऑयल से छान कर निकाल लूंगी, और इसी तरीके से जो भी बचा है उसे मैं फ्राई करके निकाल लूंगी। तो मैं यहाँ पर दो दो कर ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। तो आप इसे होली स्पेशल में, रमजान स्पेशल में जरूर बनाए, और मुझे जरूर कमेंट करें। तो यहाँ मैं दूसरा भी डाल दूंगी, और ठीक जिस तरह से पहले को फ्राई की हूँ लो टू मीडियम, इसे भी फ्राई करके निकाल लूंगी। तो फाइनली यहाँ पर क्रंची क्रिस्पी गुजिया बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी है, यमी बना है, बिल्कुल फुला फुला सा। तो इसे आप जरूर बनाएं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।